नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शाही पनीर कैसे बनता है। जी हाँ, शाही पनीर, उसको बनाने के लिए आपको करना क्या होगा? देखिए, सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात है कि आपको पनीर लाना होगा। 250 ग्राम पनीर ले लीजिएगा और उसके इतने इतने टुकड़े कर लीजिएगा। एक प्लेट के अंदर चाकू से आराम से टुकड़े करके रख लीजिएगा। हरी मिर्च लीजिएगा 2 से 3, बारीक बारीक लंबी लंबी काट कर उसको रख लीजिएगा। अदरक को काट कर रख लीजिएगा और प्याज को, टमाटर को, प्याज लीजिएगा आप, एक प्याज लीजिएगा, एक टमाटर लीजिएगा, उसको भी काट काट के रख लीजिएगा। और उसके साथ आप आलू उबाल लीजिएगा। उबला हुआ जो आलू होता है उसका छिलका उतार कर उसको एक कटोरी के अंदर एक आलू को मैश कर लीजिएगा। अब इसके अंदर ये सारी चीजें आपने तैयार कर ली। अब आप गैस, चूल्हा, भट्टी, जो आपके पास सुविधा अनुसार है, उसके ऊपर एक कढ़ाई रखिए। कढ़ाई के अंदर आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 चम्मच देसी घी के, या सरसों का तेल, या पोमेलाल, जो आपको पसंद है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप देसी घी में बनाते हैं गाय के, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। आपने 4 चम्मच उसमें डाले। अब उसके अंदर आपने 1 स्पून जो है जीरे का डाल दिया, 1 स्पून आपने धनिया का डाल दिया, 1 स्पून आपने उसमें हल्दी का डाल दिया। अब इसको हल्के हल्के से हिलाते रहिएगा। ये हिल रहा है, तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। अब इसमें धीरे से आप अदरक डाल दीजिएगा, वो मिर्च डाल दीजिएगा। तो मिर्च चिबड़ चिबड़ ना बोले तो उसको हल्का सा ढक देना, वो बोलेगी नहीं। देन उसके बाद आपके पास प्याज है, प्याज को डाल दीजिएगा, और वो टमाटर जो है वो डाल दीजिएगा, और मिलाने लगिएगा, मिलाते रहिएगा, मिलाते रहिएगा। और उसके साथ में जब ये मिलने लगे तो वो जो आलू मैश किए हैं आपने, वो भी इसमें डाल दीजिएगा। अब इस सारी चीजों को अच्छे से मिलाइएगा, और ये जब मिलने लगे बढ़िया से, तो जो दही आपने 250 ग्राम दही जो आपने ले रखी है, उसके अंदर पानी से उसको रैप करके, अच्छे से मैश करके पतली कर लीजिएगा। वो तकरीबन 250 ग्राम 2 गिलास जितना पानी हो जाना चाहिए। अब वो उसको उसमें डाल दीजिएगा। पकने के बाद ये सारी चीजें जब पक जाए तब उसमें डालकर उसको हिलाइएगा, इसको अच्छे से पकने दीजिएगा। अब दही उसके अंदर मिक्स हो गई, और उसको अच्छे से आप बनाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से। जब वो पककर तैयार हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दीजिएगा। अगर आपको खड़ा गर्म मसाला डालना है तो आप उसके अंदर दालचीनी ले सकते हैं, आप उसके अंदर तेज पत्ता ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, जीरा ले सकते हैं। लेकिन आपने जीरा डाल दिया तो, या बना बनाया आप गरम मसाला ले, वो आप उसके अंदर डाल के और इसको खौदने दें, मतलब उबलने दें। जब ये उबल कर अच्छे से इसकी जो ग्रेवी है, तो आपने 1.5 गिलास वो डाला है, आप चाहे तो उसके अंदर और आधा गिलास डाल सकते हैं, तो 2 गिलास पानी उसमें डल गया और उसकी जो ग्रेवी है वो बहुत गाढ़ी ग्रेवी हो जाएगी। अब उसके अंदर जो आपने पनीर काट के रखा है, उस पनीर को लीजिए, उसके टुकड़े उसमें डाल दीजिएगा, और चाहे तो आप ऊपर से 1-2 काजू के टुकड़े डाल सकते हैं शाही पनीर के लिए। और अब धीरे से हिलाकर उसको आराम से 2 से 3 मिनट के बाद, जब ये हो जाए 2 से 3 मिनट के बाद, उसे उतार कर रख दीजिएगा। और एक अच्छी सी कटोरी के अंदर, बढ़िया सी शीशे की कटोरी में, करछी के साथ उसको निकाल के रखिएगा, और आप अपने मेहमान को सर्व कीजिएगा। और हाँ, नमक मैंने इसलिए नहीं बोला कि नमक आपको स्वादानुसार डालना है। आपको नमक कितना लगता है आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। वो नमक भी आप तभी डालेंगे जब आप मसाले शुरू में भून रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीजें बनकर आपका तैयार हो गया शाही पनीर। कोई जरूरत नहीं है विजुअल दिखाने की, आप बहुत समझदार लोग हैं, आपको सब पता है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि चीजें कैसे कैसे करनी है। और अगर नमक बाद में भी डलता है तो उसका कोई परहेज नहीं है, लेकिन अगर पहले डालते हैं तो बेहतर रहता है। तो हमने आज आपको बताया कि शाही पनीर बनाने का तरीका क्या है। अब सारी चीजें जब बन जाती हैं तो और स्वाद चाहिए ना। अगर आप मेहमान को देने जा रहे हैं तो आप चाहें तो उस पे हल्का 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 धनिया बुरक कर ऊपर बुरक दीजिएगा, तैयार एकदम मस्त। अब आपका बंदा जो खाएगा वो आपको दुआएं देगा। टेस्ट करके देखिएगा, बना के देखिएगा, बड़ी आसान सी चीज है। तो आज हमने आपको बताया कि शाही पनीर बनाने की विधि क्या है, इसका उपयोग कीजिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा मकसद यही है कि हम लोगों की सेवा करें, और मानवता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। जी हाँ,
हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक्स कीजिएगा, हमें शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो पर आप टिप्पणी भी कर सकते हैं। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। हमारे दूसरे दो और चैनल्स हैं, एक शुरुआत जी और एक शुरुआत जी सुप्रभात, इन दोनों पर भी जाइएगा। प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे, उसके भी सब्सक्राइब बढ़ाइएगा, वहां पर जाकर भी देखिएगा कि आपको जानकारियां मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।